आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल शराब नीति है क्या जिस पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको नई शराब नीति के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि इस शराब नीति में कौन कौन से बिंदु थे। देखिए 2021-22 की नई आबकारी नीति दरअसल क्या थी। ई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांट रही थी और नई पॉलिसी में शराब वितरकों को एक बड़ी छूट दी गई थी। क्या है ये छूट, ये भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसमें बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी और इसका ही विरोध किया जा रहा था। छत समेत किसी भी जगह पर शराब परोसने की इजाजत भी दिल्ली सरकार की नई शराब नीति दे रही थी। इससे पहले खुले में दरअसल शराब परोसने पर रोक थी, लेकिन नई शराब नीति यानी नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद ये रोक जो थी वो हटा दी गई थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम जो है वो किया जा सकता था, इसको लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया। खासकर सड़कों पर भी इसको लेकर विरोध हुआ। काउंटर पर खुली बोतलों की शेल्फ लाइफ पर दरअसल कोई पाबंदी नहीं रखी गई थी। ये नई आबकारी नीति के बिंदु थे जिनको लेकर विरोध हो रहा था। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या फिर खाने पीने की जो दुकानें थी उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी, ये भी एक ऐसा बिंदु था। बहरहाल इस पॉलिसी को लेकर देखिए विरोध दर्ज कराया गया। पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर फोकस किया गया था, ये भी एक बिंदु था इस नई आबकारी नीति का जो कि दिल्ली सरकार की ओर से लागू की गई थी। तो ये तमाम बिंदु ऐसे रहे जिसको लेकर विरोध दर्ज किया गया। ये आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांट रही थी, इसका हमने आपसे जिक्र किया है कि ये दिल्ली की जो नई आबकारी नीति थी वो थी और नई पॉलिसी में शराब वितरकों को बड़ी छूट दी गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि आप खुले में शराब परोस सकते हैं और इसके साथ ही 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था जब तक कि जो दुकानें हैं, बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खुल सकते हैं। और इसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध भी कर रही थी। इस विरोध की ही एक वजह जरूर रही जिसके बाद आम आदमी पार्टी जो है उसने इसे वापस लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़े हैं। राजीव, कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरह विरोध दर्ज कर रही थी लगातार भारतीय जनता पार्टी और आखिरकार अब आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से जो है पुरानी आबकारी नीति दिल्ली में लागू होगी, क्योंकि जो इनकी नई आबकारी नीति थी इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा था और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि इसमें ढेर सारी खामियां हैं और सीधे तौर पे जो है कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की एक कोशिश की गई है सरकार की तरफ से और इसकी जांच के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। तो यह एक बड़ा मसला बन गया है और आने वाले समय में कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब माफियाओं को जो है पहुँचाया गया गलत तरीके से, जो है जो तमाम जो ठेके बंद थे उनको ठेका दिया गया। इधर मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो है सही तरीके से जो है कारोबार चले। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि गुजरात में घटना घट गई है जो नकली शराब पीने से मौत बनी हुई है, मौत हुई है वहाँ पर लोगों को, उसको एक आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है और यही बात मनीष सिसोदिया प्रेस वार्ता में बार बार कर रहे थे और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 तारीख से 1 अगस्त से जो है पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी दिल्ली में। बीजेपी जो लगातार इस नई आबकारी नीति का विरोध कर रही थी, दिल्ली सरकार का विरोध कर रही थी, उसके पास तमाम ऐसे बिंदु थे, चाहे भ्रष्टाचार का बिंदु आप ले लीजिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें ऐसी रही जिसको लेकर बीजेपी जो है लगातार विरोध दर्ज करा रही थी। ऐसे में सबसे अहम चीज है कि युवाओं को शराब परोसने का मुद्दा बीजेपी ने उठाया और सबसे अहम पंजाब के मॉडल की तर्ज पर सबसे ज्यादा विरोध इसका किया गया पड़ा है और अब 1 अगस्त से जो है नई पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए आने वाला जो समय हो संकट भरा हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पे जो सिफारिश की गई सीबीआई जांच की उसमें कहा गया है कि यह शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से किया गया है। तो जब जाँच होगी सब सारा जो भी हुआ है या मनीष सिसोदिया के देख रेख में हुआ है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल राजीव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी और सीधे तौर पर आरोप लगा रही थी कि दरअसल युवाओं को बिगाड़ने की एक कोशिश है, नई शराब की जो नीति बनाई गई उसकी तरफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा कहा जा सकता है कि इल्ज़ाम लगाया गया, जिसको लेकर हमेशा से आम आदमी पार्टी कहती रही कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी नजर नहीं आ सकता है और दिल्ली में खासकर इसे खत्म किया गया है। और इसके साथ ही पंजाब मॉडल का जिक्र भी किया जा रहा था।
चलो तो राजीव का रुख करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 दरअसल क्या थी, जिसको लेकर विरोध दर्ज कराया गया। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम इसमें किया जा सकता था। काउंटर पर खुली बोतल की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं थी। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या फिर खाने पीने की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं थी। ये तमाम मनोरंजन आपको अंदर ही उपलब्ध हो सकते थे। सरकार किसी भी शराब की दुकान के मालिक नहीं होगी, ये भी कहा गया। लेकिन सबसे अहम चीज, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ गए हैं। पीयूष, लगातार आम आदमी पार्टी नई आबकारी नीति को हितकारी बताती रही और खासकर राजस्व को बढ़ाने को लेकर, लेकिन बीजेपी ने लगातार विरोध किया ये कहते हुए कि ये जो नई शराब नीति है, नई आबकारी नीति है, इससे युवाओं पर गलत असर पड़ेगा, समाज में गलत असर पड़ेगा और सबसे अहम चीज भ्रष्टाचार का भी मुद्दा इस पर उठाया गया बीजेपी की ओर से। देखिए चारुल, जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही नई शराब नीति का विरोध किया और लगातार इस विरोध के स्वर को बुलंद भी किया, और कई बार तो आपने खुद तस्वीरों में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता या और जो बड़े नेता थे, उन्होंने शराब की तमाम दुकानों को सील भी करने की एक कवायद भी की थी। लेकिन उन सबके बावजूद इस नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी लगातार हितकारी बताती रही, लगातार उसने कहा राजस्व में फायदा हो रहा। लेकिन जिस तरह से जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो बातें सामने आई हैं, जिस तरह से राज्यपाल ने, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने जो सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश की, तमाम ऐसी बातें रही हैं जिन बातों में, और जो टेंडरिंग की प्रक्रिया रही है उस प्रक्रिया में भी तमाम खामियां मिली हैं, और ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि इस शराब नीति के जरिए क्या कुछ हो रहा था। और अब तो बाकी विषय जाँच का है और जाँच के विषय में सामने आएगा। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया है, उस पर ये सवाल जाहिर सी बात है खड़ा हो रहा है कि अगर ये शराब नीति इतनी अच्छी थी तो यू टर्न क्यों लिया। पीयूष, आपने सुना होगा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तमाम बातें जिस दौरान कही, नई आबकारी नीति को वापस लेने के दौरान तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह गुजरात में जहरीली शराब परोसी गई, जिस तरह लोगों की मौत भी हुई, अगर दिल्ली में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यहां तक कहा कि दरअसल ये सब बीजेपी का ही प्रोपोगंडा है जो वो दिल्ली में लागू करना चाहती है। देखिए, उन्होंने जरूर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, लेकिन इस वक्त तो जो संगीन आरोप हैं, वो संगीन आरोप अगर सीधे तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया, चूंकि उन्हीं के पास आबकारी विभाग है, उन पर भी लगा रही है। और जहां तक बात है सीबीआई जांच की, जिसके लिए खुद उपराज्यपाल ने संस्तुति दी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से शराब नीति को लेकर हमलावर थी, उसको और भी ज़्यादा बल मिल गया है। और जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो यू टर्न लिया गया है, उस यू टर्न के बाद तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती जरूर नजर आएगी अब कि वो शुरुआत से ही इस शराब नीति का विरोध कर रही थी, शराब नीति के खिलाफ थी, लेकिन दिल्ली सरकार मानने को नहीं तैयार। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया है पक्ष मजबूत करने का। पीयूष आप बने रहिए, राजीव आप भी बने रहिए। अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं नई आबकारी नीति, जिसको लेकर विरोध जो है वो लगातार हो रहा है। ऐसे में विरोध के जो तमाम पॉइंट्स रहे हैं, जो तमाम बिंदु हैं, वो हम दिखाते हैं। 17 नवंबर को लागू हुई थी नई शराब नीति। नई शराब नीति का क्या हाल रहा है वो आपको बता रहे हैं। शराब नीति लागू होने के बाद 200 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। नई शराब नीति के लागू होने के बाद तमाम शराब कारोबारियों ने सरकार की शराब नीति से दूरी बना ली थी। इसके साथ ही दिल्ली में 9 जोन एक्साइज डिपार्टमेंट को कर चुके हैं सरेंडर। ये हम बता रहे हैं कि क्या हाल रहा था नई शराब नीति के, नई पॉलिसी के बाद शराब कुछ ब्रांच को बंद कर दिया था, ये भी एक वजह रही जिसको लेकर शराब कारोबारियों में भी रोष था, जिससे दुकान यानी शराब कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। यानी जिसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार जिक्र कर रही थी कि फायदेमंद होगी, उससे कुछ शराब कारोबारियों को नुकसान हो रहा था। 17 नवंबर को लागू हो गई थी नई शराब नीति। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं, पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए सबसे अहम चीज है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह लगातार जिक्र कर रही थी कि नई आबकारी नीति से प्रदेश को फायदा होगा, शराब कारोबारियों को फायदा होगा, ऐसे में कई ब्रांड्स को जिस तरह से बैन किया गया, उसके बाद खुद शराब कारोबारियों ने भी दूरी बना ली थी इस नीति से।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो शराब माफिया हैं उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो इसमें मैटर आ रहा है घोटाले का, इसमें 144 करोड़ रुपए घपले का आ रहा है मामला सामने। इसी वजह से उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। और साथ ही अगर देखा जाए तो दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया, जिसमें 849 लाइसेंस बांटे गए हैं। और आबकारी नीति में सबसे बड़ा बवाल दिल्ली में तब हुआ जब जो पीने की जो उम्र 25 साल थी उसको 21 साल जब कर दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, तो तमाम वर्ग जो है इस समय इसका विरोध किए, समाज के तमाम लोगों ने कहा कि ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी तो उसी समय से विरोध कर रही थी जब यह एक खरीदने पर एक छूट दी जा रही थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जब यह उम्र घटा दिया गया तो बड़ा मुद्दा बन गया, तमाम लोगों ने शिकायत की। और जब दिल्ली के राज्यपाल ने इस पूरे मसले पर रिपोर्ट मांगा तो 8 जुलाई को जो रिपोर्ट उनको मिली उसमें दिखाया गया कि इसमें ढेर सारी खामियां हैं, यह शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, शराब जो सरकारी दुकानें थी वह निजी हाथों में देने की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसको लेकर राज्यपाल उपराज्यपाल ने जो है सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब यह बड़ा मैटर बन गया, दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने लगातार प्रोटेस्ट किया और कहीं ना कहीं जब दिल्ली सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी तो आज प्रेस वार्ता करके मनीष सिसोदिया ने इसको यू टर्न लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, पिछले दिनों जब दिल्ली बीजेपी ने हंगामा किया तो सीधे उस समय केजरीवाल ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चाहते कि मनीष सिसोदिया को जेल भिजवा दिया जाए, उसी समय उन्होंने कहा था। लेकिन अब जो मैटर सामने आ रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया है, इसमें जब जांच होगी सीबीआई की तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए आने वाला समय संकट भरा हो सकता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो काफी घबराए हुए हैं। जी बिल्कुल राजीव, पीयूष भी हमारे साथ हैं। पीयूष देखिए, सबसे अहम चीज है कि जब हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया को, हमने सुना तो उन्होंने गुजरात से कंपैरिजन करा, लेकिन वहीं पर आपको पता है कि जिस दौरान पंजाब में चुनाव हुए थे तो नशे को पूरी तरह से बंद करने की बात कही गई। पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पॉलिसी दोनों में अलग है। यहां एक के साथ एक मुफ्त दी जा रही थी शराब की बोतल और वहां पर नशा बंद करने की बात कही जाती है। एक ही पार्टी दो अलग अलग राज्य में अलग अलग नीति अपनाकर चल रही थी और इसको लेकर ही बीजेपी ने लगातार विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद दिल्ली सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए चारुल, दिल्ली सरकार के बैकफुट आने पर कई सारे कारण हैं और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि 9500 करोड़ का राजस्व आता और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी कि दिल्ली में अवैध तौर पर शराब बिके और जिस तरह से गुजरात में अवैध तौर पर शराब बिकी और लोगों ने पिया और लोगों की मौत हुई। लेकिन हकीकत तो ये है कि दिल्ली में जब नई आबकारी नीति आई और उस आबकारी नीति की जो खामियाँ थी वो उजागर होने लगी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसके बाद से लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया तो वो बैकफुट पे नजर आई और अंतोगत्वा ये स्थिति हो गई कि जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई और उसके बाद अभी लगने लगा कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरकार की अब इसमें छिछालेदर हो जाएगी, तो अब धीरे से आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया है। लेकिन यू टर्न ये कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा और आगे अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये भी देखना होगा चारों।